नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। मैं संजना चोपड़ा। बीते कई दिनों की राहत के बाद नंगल में एक बार फिर फूटा कोरोना बम। नंगल के साथ लगते गांव पट्टी में एक ही परिवार के सभी 12 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के अलावा तहसीलदार रामकिशन ने भी इसकी पुष्टि की है। एक साथ 12 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने से गांव निवासियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी सख्ताई में है। देखें सिटी हलचल की है रिपोर्ट। बीते कई दिनों की राहत के बाद नंगल में एक बार फिर फूटा है कोरोना बम। नंगल के साथ लगते गांव पट्टी में बनी एक आलीशान कॉलोनी में एक ही परिवार के सभी 12 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के एक सदस्य के अलावा तहसीलदार रामकिशन व सिविल अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार ने भी इसकी पुष्टि की है। एक साथ 12 नए पॉजिटिव मामले सामने आने से गांव निवासियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी सख्ते में आ गया है। पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने सिटी हलचल से फोन पर बात करते हुए जानकारी दी कि परिवार का एक व्यक्ति बीते दिनों से बीमार चल रहा था, लेकिन निजी क्लिनिकों में उपचार करवाने के उपरांत कोई राहत नहीं मिली तो बाद में उसे सोहाना अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसी दौरान किए गए कोरोना टेस्ट में वो पॉजिटिव निकला और उसके उपरांत पूरे परिवार के कोरोना टेस्ट हुए तो परिवार के अन्य 11 लोग भी पॉजिटिव पाए गए। इस बारे में और जानकारी देते हुए गांव के सरपंच मनोज कुमार ने सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा, जे सुने। साडे पिंड जी बड़ा केस आया है जी। हां, ए मेवे में चक्कर है जी। कल तो साडा ना मेवे सारा पिंड जदा ज्योति धाम जी टेनमेंट कर रहे जी। हां ਤੇ ਸਰ ਮਹਿਕਮਾ ਆ ਕੇ ਜਾਂਚ ਜੂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਸੁੰਪਲ ਨਹੀਂ? ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕਰਨੇ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਉਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜਲਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। उधर सिविल अस्पताल नंगल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नरेश कुमार से जब इस बारे में फोन पर जानकारी लेने हेतु संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरे परिवार को घर में ही आइसोलेट किया गया है और उक्त कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन में बदला गया है और कल यानी शनिवार को वहां रहने वाले लोगों व पीड़ित परिवार के संपर्क में आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट करने की मुहिम शुरू की जाएगी। उधर तहसीलदार रामकिशन से जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के 12 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आने के चलते उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में बदला गया है। स्वास्थ्य विभाग की दिशा निर्देशों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से हाथों को सैनिटाइज करते रहने के साथ साथ मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलने व अधिक से अधिक कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की ताकि समय रहते इस बीमारी को और फैलने से रोका जा सके। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए तहसीलदार रामकिशन ने क्या कहा। प्रशासन जो है देखो, इन्होंने फैमिली मेंबर एक जरा सोहाना हॉस्पिटल जरा एडमिट सी उड़ा टेस्ट करवा किया गया तो पॉजिटिव होने कारण करके फैमिली मैंबर सारे की जी इतने सैंपलिंग एस एम ओ साहब मंगल वो ले गई सी तो फैमिली के लिए 12 मैंबर जोड़े पॉजिटिव आए हैं जो भी उन्होंने वो सरकार की एस ओ पी है वो मुताबिक गाइडलाइन मुताबिक जोड़े असी उन्होंने जो भी सैंपलों तो बाद जो उन्होंने आइसोलेट करना वो बारे जी कार्रवाई जी आरंभी गई है ये बारे जो एस एम ओ साहब निर्देशन करती गई है तो गाइडलाइन मुताबिक सील करा। अलावा अगर आप लोगों को अपील करते हैं कि जिदा कि पिंड 12 जोड़े आए हैं तो आप जो सारे इस इलाके के लोगों को बेनती करते हैं प्रशासन वालों कि वो मास्क पा के रखन तो सोशल डिस्टेंस रखन तो सैनिटाइजर इस्तेमाल कर जो कि इस जी बीमारी आप जिस टाइम काफ़ी आप पहला भी की कहने संताप भर चुके हैं वह दोबारा ना आए आप प्रिकॉशन रखीए तो इस तरह के कोई केस ना आन तो आप सारे तंदुरुस्त रहिए। तो जो उन्होंने आए ने उन्होंने उस परिवार के ज उन्होंने उसके संबंधी है उन्होंने जो लिस्ट वो देने उन्होंने फिर सैंपलिंग उन्होंने वालों की जाऊगी सिविल हॉस्पिटल वालों हेल्थ डिपार्टमेंट वालों। सिटी हलचल के लिए अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। अब आपके अपने शहर नंगल की एमपी कोठी मार्केट में रॉयल स्वीट्स पर बेकरी की दुकान खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे अपनी डायरी के शुद्ध दूध से बनी मिठाई, दही, पनीर व दूध, इसके अलावा पेस्ट्री और आपकी पसंद के अनुसार स्वादिष्ट व उत्तम क्वालिटी के वैष्णो केक भी। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे। हमारे फोन नंबर है
98774-9190-7090-39655 एमपी दी कोठी मेन बाजार विच रॉयल स्वीट्स बेकरी नाम की दुकान खोली है। साढ़े को अपने डेयरी का दुध ओरिजिनल समान साढ़े को मिलेगा। असी सारा केक जो भी है अपने इतें ही बनाते हैं, तो बाहरों कोई भी समान लेके नहीं आते हैं। जो भी साड़ी मिठाई है बिल्कुल साड़ी डेयरी के दुध ही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहां से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4100 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर, 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहां आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। तो जरूर एक बार सेवा का मौका दे, क्योंकि एक बार आओगे तो बार बार आओगे, यह दावा है वसीम गारमेंट्स का। वसीम गारमेंट 82 हिलव्यू एनक्लेव भाखड़ा रोड। संपर्क करें फोन नंबर 94-6349-376-85-560-88-974। सारे नगर निवासी अरदास बेनती करते हैं कि सानू एक बार सेवा का मौका दो और बाजार नालों सस्ते दाम पे हर आइटम मिलेगी। गॉसिप द कैफे लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर। हर मंगलवार एक पिज्जे के साथ पाए एक पिज्जा फ्री, वाय वन गेट वन फ्री। अगर ऑफर है इतनी आकर्षक तो देरी किस बात की, अभी करें ऑर्डर। गॉसिप द कैफे, अजा मार्केट, नंगल।